मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 8 Pro के बारे में। वो फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। प्राइस इतनी ज्यादा कमाल की रखी है क्योंकि मैं खुद कंफ्यूजन में था कि इतनी ज्यादा प्राइस कम कैसे हो सकती है। 6GB 64GB वाला इसका बेस वेरियंट है, उसकी प्राइस मात्र 13,999 रुपए रखी हुई है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं, ये Xiaomi Redmi Note 8 Pro का जो स्मार्टफोन है, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा स्मार्टफोन है ये। आइए सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे पासबुक चैनल पे। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में Xiaomi वालों ने बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज नहीं किया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डिजाइन जो इसकी है, ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं आप कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ इसमें आपको ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन और देखने को मिलता है, वो भी बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। और मैं आपको बताऊँ बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास टाइप का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है बैक में, जो कि आपको फोन को टूटने नहीं देगा। बात करूं मैं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच की नॉच FHD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस डिस्प्ले में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो मतलब आगे और पीछे दोनों ही साइड इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। ये वही Redmi Note 7 Pro में भी देखने को मिला था। और दोस्तों बात करना चाहेंगे आप लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। 3.0 का बुक चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल रहा है, जो कि बॉक्स के साथ ही आएगा। वैसे जनरली जितने भी Xiaomi के फोन होते हैं उनमें चार्जर नहीं आता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको चार्जर भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी थिंग है Xiaomi वालों ने जो कर रहे हैं लोगों के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन ऑन को जरूर प्रेस कर रहे हैं ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों अब बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है इसका। इसमें आपको हीलियो का MediaTek वाला G90T प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये नया प्रोसेसर है हीलियो वालों की तरफ से, मैं आपको ये बता दूं गेमिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे उन्होंने यूथ को देखते हुए इसमें ये वाला प्रोसेसर डाला है, क्योंकि यूथ सारे लोग गेम ज्यादा खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन से 730 से भी काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट माना जाता है। और उसी को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। मतलब अगर आप अपने फोन में हाई ग्राफिक गेम खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो आपका फोन हीट नहीं करने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको, ये फोन 3 वेरियंट में देखने को मिलेगा। 6GB 64GB, 6GB 128GB, 8GB 128GB, 3 वेरियंट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बात हो गई है डिस्प्ले के बारे में और प्रोसेसर के बारे में, फाइनली मैं बात करना चाहूंगा इसके हाईलाइट फीचर्स के बारे में। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ कैमरे को लेकर के, क्योंकि इसका कैमरा ही तो है जो सारे लोगों को रिझा रहा है अपनी तरफ। इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिल रहे हैं। जो रियर कैमरा इसमें दिया गया है वो 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। एक और कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जो कि अल्ट्रा वाइड दिया गया है। एक और कैमरा आपको देखने को मिलेगा 2 मेगापिक्सल का, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया। और लास्ट कैमरा फिर से अगेन 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि माइक्रो लेंस दिया गया है। तो कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है इस स्मार्टफोन का। मैं आपको ये भी बता दूं इसमें सैमसंग के सेंसर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पता है सैमसंग के सेंसर होते हैं, तो उस कैमरे की बात ही कुछ अलग होती है। और दोस्तों यहाँ पे एक नजर और डालेंगे इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें नॉच में कैमरा दिया गया है, ये 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो फ्रंट भी काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, और बैक में तो आपको पता ही है कैमरे कैसे दिए गए हैं। कुछ फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि 64 मेगापिक्सल कैमरे से लिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी ज्यादा अच्छी डिटेल्स दिख रही है। तो कैमरा तो काफी ज्यादा कमाल है। इसके लिए Xiaomi वालों को मेरी तरफ से एक थम्स अप। आप अगर एक थम्स अप देना चाहते हैं Xiaomi वालों को, तो जल्दी से थम्स अप दे दीजिए। वो काला वाला बटन होगा उसको नीला कर दीजिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला, उसकी प्राइस मात्र 13,999 रुपए है। 6GB 128GB वाले की जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 16,000 रुपए, और 8GB 128GB वाले की रखी गई है वो रखी गई है 18,000 रुपए। तो प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रिवील हो गई है जो कि मैंने आपको बता दी है। लॉन्च डेट की बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो सितंबर के मिड में आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सितंबर के महीने में एक और स्मार्टफोन आ रहा है जो 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के साथ आ रहा है।
रहा है, ये इसको बहुत ज़्यादा कम्पीट करने वाला है, वो आ रहा है रियलमी का रियलमी XE। वैसे हमने उस पर एक वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर के रियलमी XT वाली भी एक बार वीडियो देख लें, जिससे आप बेहतर विकल्प चूज कर पाए कि आपके लिए अच्छा फोन कौन सा है, रेडमी नोट 8 प्रो या रियलमी XT। वैसे अगर आप चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए रियलमी XT और रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में कौन सा बेटर है, तो मैं उस पर जरूर से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको कमेंट में मुझे बताना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको रेडमी नोट 8 प्रो की सारी जानकारी मिल गई होगी, कितनी प्राइस में लॉन्च किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे अभी तक बने हुए सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, और भी क्लिक करना ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूं आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।